हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गैस मीठे पारे बनाने के लिए एक किलो मैदा ली है। उसमें मोन डाल के 1.5 चम्मच मोन डालेंगे और इस तरीके से डो तैयार कर लेंगे। और मीठे पारे जिस तरीके से काटते हैं और खुरमा जिसको बोलते हैं, इस तरीके से डो तैयार करके बेल लेंगे। बेलने के बाद जैसे मठरी बनाते हैं उसी तरीके से तल लेंगे। और इस तरीके से मैंने सेक लिए हैं मीठे पारे और थोड़े से चौकोर टाइप में बर्फी आकार में इस तरीके से सेक लिए हैं। आप पूरी वीडियो देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सेके थे। अब इसको पाकने के लिए गाइस मैं रखूँगी कढ़ाई, और कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद इसमें डालेंगे 1.5 गिलास समथिंग पानी, और पानी को गर्म करेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 किलो चीनी समथिंग, 1 किलो खुरमे में 1/2 किलो चीनी क्वांटिटी से आप डाल सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी ली है, कटोरी में 1.5 कटोरी समथिंग मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। अब इसमें हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे और चीनी को और इसकी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो मीठे खुरमा जो होते हैं गाइज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 तार की चाशनी मैंने बनाई है। और जब 2 तार की चाशनी बनती है तो कढ़ाई के चारों तरफ अच्छे से जमने लगती है। और एक मैंने पानी लिया है कटोरी में और इसमें डाल के देखेंगे तो जम जाता है। तो इस तरीके से चाशनी बनकर तैयार हो गई है, और जो मैंने खुरमा बनाए थे तो इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और इसको इस तरीके से चलाएंगे। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है क्योंकि जो चाशनी का जो रस है वो अच्छे से खुरमे में चला जाता है, और जो पानी जो है ऑलरेडी एकदम सूख जाता है। तो इस तरीके से चलाते रहेंगे तो परफेक्ट खुरमा बनकर तैयार हो गए। इस तरीके से गैस आप खुरमा बना सकते हैं मीठे पारे। तो गैस मीठे पारे मैंने अच्छे से पाक लिए हैं। अब गैस को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसको जब ठंडा करेंगे तो ये जम जाएंगे, आपस में एक दूसरे में चिपक जाएगी चीनी। तो इस तरीके से जब चलाएंगे तो सारे खुरमों में अच्छे से चिपक जाती है। और तो आप गाइस देख सकते हैं कि चाशनी ख़त्म हो गई है और खुरमे में अच्छे से लपेट गई है। इस तरीके से चलाते रहेंगे और अंदर बहुत ही ज़्यादा मीठे मीठे लगने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। इस तरीके से आप फटाफट आप बना सकते हैं मीठे खुरमे, जिस तरीके से नमक पारे बनाते हैं। बस मैदे में आपको नमक नहीं डालना है, ना ही अजवाइन डालनी है, और मोन की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। 1 किलो मैदा में 1.5 कटोरी ऑयल डालना है। और इस तरीके से आप बना सकते हैं गैस मीठे खुरमा। तो लीजिए परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। सो गैस आपको मेरी मीठे खुरमा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किस जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरे मीठे पारे कैसे लगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गए हैं और चीनी आपस में लिपट गई है, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो लीजिए बर्तन में निकाल लेती हूँ मैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं मीठे खुरमे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए मेरे चैनल को देखना सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरीके से आप बना सकते हैं गाइस मीठे पारे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खाइएगा, और ये ख़राब भी नहीं होते हैं जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।